नमस्कार बाबरिया, बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। खबरों की तरफ बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। देश में अपराध के मामलों में बिहार स्थान पर। शिक्षा के मामले में टॉप 5 में बिहार के 4 जिले। बिहार में रक्षा मंत्रालय की 477 एकड़ जमीन पर कर लिया गया अतिक्रमण। IIT पटना में पिछले साल के मुकाबले इस बार हुआ ज्यादा प्लेसमेंट। बिहार में जैविक खेती से किसानों की बढ़ेगी आमदनी। अब चले बढ़ते हैं बिहार की शाम तक की बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। IIT पटना में पिछले साल के मुकाबले इस बार हुआ ज्यादा प्लेसमेंट। IIT पटना ने कैंपस प्लेसमेंट के मामले में नया रिकॉर्ड बना लिया है, जिसके तहत पिछले साल के मुकाबले इस साल पास आउट होने वाले छात्रों की संख्या ज्यादा है, वहीं इन्हें प्लेसमेंट भी ज्यादा मिली है। IIT पटना की तरफ से जारी किए गए जानकारी के अनुसार 2020 के विद्यार्थियों के लिए जहां सिर्फ 96 ऑफर्स थे, वहीं 2021 में अब तक 252 ऑफर्स मिले हैं, जो कि पिछले साल के मुकाबले 162.5% अधिक है। इतना ही नहीं, इस साल अब तक 37 प्री प्लेसमेंट ऑफर भी मिले हैं, जबकि 2020 में इसकी संख्या 24 से बढ़ाकर IIT पटना ने बीटेक के 78% विद्यार्थियों को प्लेसमेंट ऑफर दिया है, जबकि एमटेक में यह संख्या 40% है। इतना ही नहीं, इस बार तो विदेशी कंपनियों में सबसे अधिक एक्सचेंजर जापान ने 3 छात्रों को 47.9 लाख का पैकेज दिया है। देश में अपराध के मामले में बिहार स्थान पर। बिहार में आज के समय में अपराध के मामलों में गिरावट देखने को मिली है, लेकिन अभी भी कई ऐसे मामले सामने आ जाते हैं जिसको सुनकर आपके होश जरूर उड़े होंगे। हालांकि स्थिति पहले जैसी खराब नहीं है, लेकिन अभी भी सुधार की जरूरत है। ऐसे में अपराध के मामले में बिहार किस पायदान पर है, इसकी जानकारी पुलिस मुख्यालय ने साझा की है। अपराध के मामले में बिहार देश भर में 25वें स्थान पर है। राज्य पुलिस मुख्यालय ने इसकी जानकारी दी है और बताया है कि बिहार में अपराध की दर में कमी आई है, गंभीर अपराधों में कमी आई है। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो द्वारा पेश साल 2020 में जारी आंकड़ों का हवाला देते हुए पुलिस मुख्यालय ने कहा है कि राष्ट्रीय अपराध दर 487.9 है, जिसकी तुलना में बिहार में अपराध का दर 211.3% रहा। यही कारण है कि केंद्र शासित प्रदेशों के अपराध की तुलना में बिहार का 25वां स्थान है। बिहार में प्रजनन दर में आई गिरावट, बिहार के लिए राहत भरी खबर सामने आई है। साल 2015-16 से 2019-20 तक यानी 5 साल में बिहार में टोटल अनमेट नीड को घटाने में सफलता मिली है, जिसका खुलासा राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण 4 में हुआ है। राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण 4 की तरफ से साझा की गई रिपोर्ट को देखें तो बिहार की टोटल अनमेट नीड 21.2% थी, जो सर्वेक्षण 5 में घटकर 13.6% हो गई है। राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण 5 के अनुसार बिहार में कुल प्रजनन दर 3.4 से घटकर 3% हो गई है। इसमें मुजफ्फरपुर ने सर्वाधिक बढ़ोतरी की है। पिछले सर्वेक्षण में मुजफ्फरपुर में केवल 9.2% लोग परिवार नियोजन के किसी साधन का इस्तेमाल करते थे, जो बढ़कर 66.1% हो गई है। वहीं दूसरे स्थान पर समस्तीपुर, तीसरे स्थान पर गोपालगंज, चौथे स्थान पर शिवहर और 5वें स्थान पर शेखपुरा जिला है। खुशी की बात यह है कि पिछले सर्वे में बिहार में 23.3% लोग परिवार नियोजन के लिए साधन का इस्तेमाल करते थे, जो बढ़कर 44.4% हो गई है। बिहार में फिर से डरा रहे हैं COVID-19 के मामले। बिहार में कुछ दिनों पहले तक जहां इस बात को लेकर सुकून था कि शायद बिहार में COVID-19 के मामलों में अब स्थिरता आ गई है, इसी बीच बीते 2 दिनों से लगातार मामलों में वृद्धि देखी जा रही है। स्वास्थ्य विभाग की तरफ से जारी किए गए बीते दिन के पिछले 24 घंटे के आंकड़ों को देखें तो कुल मिलाकर 12 मरीजों की पुष्टि हुई है, जिसके बाद बिहार में एक्टिव मरीजों की संख्या 57 पर पहुंच गई है। इसके साथ ही अगर हम प्रभावित जिलों की बात करें तो गया में 2, मुजफ्फरपुर में 1, नालंदा में 2, पटना में 6 मरीजों की पुष्टि हुई है। इसके अलावा एक ऐसे सैंपल की भी पुष्टि हुई है जो दूसरे राज्य के हैं, लेकिन इसके सैंपल बिहार के जिले में ही कलेक्ट किए गए हैं। इसके अलावा किसी भी जिले में एक भी मरीज की पुष्टि नहीं हुई है। वहीं बीते दिन के पिछले 24 घंटे में कुल मिलाकर 163,846 सैंपल की जांच की गई, वहीं इस दौरान 4 मरीज ठीक होकर घर वापस लौटे हैं। कोर्ट की कार्यवाही का YouTube के माध्यम से हुआ सीधा प्रसारण, पटना हाईकोर्ट को मिली खास उपलब्धि। COVID-19 ने जब से अपना प्रकोप बढ़ाया है, तब से ही बिहार की कई चीजें डिजिटलाइज्ड हो गई हैं। इसी कड़ी में पटना हाईकोर्ट की कार्यवाही भी डिजिटलाइज हो गई है, क्योंकि कोर्ट की कार्यवाही का YouTube पर सीधा प्रसारण
किया गया है, जिसके बाद यह देश का पांचवा हाईकोर्ट पटना हाईकोर्ट बन गया है। जस्टिस चक्रधारी शरण सिंह और जस्टिस मुद्रेश प्रसाद की खंडपीठ की कार्यवाही का सीधा प्रसारण किया गया। इसके पहले कर्नाटक, मध्य प्रदेश, उड़ीसा और गुजरात हाईकोर्ट में कोर्ट की कार्यवाही का सीधा प्रसारण प्रस्तुत किया जाता था। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें, इस प्रसारण का सबसे पहले गुजरात हाईकोर्ट द्वारा कोर्ट की कार्यवाही का सीधा प्रसारण खुले कोर्ट की धारणा को कार्यान्वित और विस्तार करने के ख्याल से किया गया था, जिसके बाद कर्नाटक हाईकोर्ट, मध्य प्रदेश और उड़ीसा हाईकोर्ट में भी यह पहल शुरू की गई। बिहार में जैविक खेती से किसानों की बढ़ेगी आमदनी। इन दिनों बिहार में रबी फसलों का मौसम है, हालांकि किसानों की समस्या फिलहाल खाद को लेकर भी है, क्योंकि बिहार में उर्वरक की किल्लत बहुत ज्यादा है। बिहार सरकार इसको लेकर कोशिश तो कर रही है कि किसान को किसी तरीके की समस्या ना हो, लेकिन फिलहाल कोई भी कोशिश रंग नहीं ला रही है। इसी बीच जैविक खेती को बढ़ावा देने की राज्य सरकार की पहल लगातार देखने को मिल रही है। सरकार इसके लिए किसानों को लगातार प्रोत्साहित भी कर रही है। इसको लेकर सरकार ने सभी किसानों से अपील की है कि वो अधिक से अधिक भूमि में जैविक खेती करें। बाजार में जैविक उत्पादों की मांग बढ़ी है, इससे किसानों को फायदा तो होगा ही, साथ ही उनकी आमदनी में भी बढ़ोतरी होगी और फसलों की उत्पादन क्षमता में भी वृद्धि होगी। इसको लेकर कृषि विभाग ने भी जैविक खेती को बढ़ावा देने के उद्देश्य से राज्य जैविक मिशन का गठन किया है। वर्तमान समय में राज्य के 13 जिलों में किसान जैविक खेती कर रहे हैं, लेकिन सरकार की कोशिश है कि हर किसान खेती के लिए नए गुण को सीखे। इस योजना को प्रोत्साहित करने के लिए 25 अन्य जिलों में भी इसे विस्तार करने की तैयारी हो रही है। 4 डिग्री तक गिरा तापमान, अब दिन में भी सताने लगी ठंड। दिसंबर का महीना आ गया है, लेकिन अभी भी बिहार का मौसम चिंता का विषय बना हुआ है, क्योंकि अब तक ऐसा ही होता आया है कि नवंबर के आखिरी तक ठंड का प्रभाव देखने को मिल जाता है और दिसंबर में तो कपकपाने वाली ठंड रहती है, लेकिन इस बार आलम कुछ और ही है। हालांकि मौसम वैज्ञानिकों को यकीन है कि आने वाले कुछ दिनों में ठंड का प्रभाव देखने को मिलने वाला है, जिसका असर आज से ही दिख रहा है। उत्तरी पश्चिमी हवाओं का प्रभाव बढ़ने से रात के बाद अब दिन का तापमान भी नीचे गिरने लगा है। इसके कारण ही पटना, गया, भागलपुर, शेखपुरा, पूर्णिया सहित बिहार के अधिकतर जिलों में तापमान में गिरावट देखी गई है। मौसम वैज्ञानिकों की माने तो पिछले 2 दिनों से तापमान में गिरावट देखी जा रही है। बीपीएससी की तैयारी करने वाले अभ्यर्थियों के लिए काम की खबर। दी ऑनलाइन किताब वाले की तरफ से 10 दिसंबर से 12 दिसंबर तक फ्री शिपिंग सेल चलाया जा रहा है। इस ऑफर का लाभ वेबसाइट या किताब वाले ऐप के माध्यम से उठाया जा सकता है। फिलहाल 67वीं बीपीएससी यानी कि बिहार लोक सेवा आयोग के पीटी और मेंस के लिए स्टडी मटेरियल, टेस्ट सीरीज, बुक्स और क्लास नोट्स इस प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध है। इसके साथ ही आप कैश ऑन डिलीवरी के साथ प्रीपेड ऑर्डर भी कर सकते हैं और पूरे इंडिया में कहीं भी मंगवा सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में किताब वाले ऐप और वेबसाइट का लिंक है और इसके साथ ही व्हाट्सएप नंबर भी साझा किए गए हैं। भ्रष्टाचार के आरोपी कुलपति एसपी सिंह ने उल्टे भेजा 5 करोड़ की मानहानि का नोटिस। बिहार की यूनिवर्सिटी में भ्रष्टाचार का खेल इन दिनों बिहारवासियों के लिए मनोरंजन का विषय बना रहा, क्योंकि शिक्षा के नाम पर किस तरीके से लूट हुई इसका उदाहरण बिहार की यूनिवर्सिटी ने दिया है, जिसके बाद सीएम नीतीश ने भी इस पूरे मामले की जांच के आदेश दिए थे। इतना ही नहीं, उन्होंने वीसी के खिलाफ जांच के लिए राजभवन को पत्र भी लिखा था, लेकिन अब नया खेल सामने आया है। जानकारी के अनुसार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जिस वीसी के खिलाफ जांच के लिए राजभवन को पत्र जारी किया था, उसी वीसी ने उल्टे ही 5 करोड़ 10 लाख रुपए की मानहानि का नोटिस भेज दिया है। एक पखवाड़े से ज्यादा समय से नीतीश की चिट्ठी राजभवन में पड़ी है और उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। सृजन घोटाला मामले में सीबीआई ने शुरू की जांच। कल्याण विभाग के बैंक खाते में 99,88,69,830 रुपए गबन की प्राथमिकी पर सीबीआई ने अब जांच शुरू कर दी है। मिली जानकारी के अनुसार इस मामले में कई लोगों के नाम सामने आने की उम्मीद जताई जा रही है। इसको लेकर सीबीआई ने कल्याण विभाग से मिले कुछ कागजात से संबंधित विस्तृत रिपोर्ट तैयार कर ली है। इन कागजातों में महालेखाकार की ऑडिट रिपोर्ट साल 2007 से 2017 तक जिला कल्याण पदाधिकारी की सूची और इसी समय के कैश बुक शामिल है। मिली जानकारी के अनुसार ये कागजात कल्याण शाखा ने सीबीआई को दे दिया है, हालांकि अभी इसकी पुष्टि नहीं हुई है। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें कि सृजन मामले में सीबीआई पहले ही जांच कर रही थी, लेकिन गृह विभाग ने सुझाव दिया था कि नियमानुसार पहले प्राथमिकी दर्ज कराई जाए, फिर उसकी कॉपी सीबीआई को भेजकर कार्रवाई को आगे बढ़ाया जाए। क्षेत्रीय डाक कार्यालय 5 साल बाद भी नहीं बनने के कारण घिरे नीतीश कुमार। बिहार सरकार भले ही विकास के कई दावे करती आई हो, लेकिन समय समय पर बिहार के कोने कोने से विकास की पोल खुलती रहती है। इसी कड़ी में बीते दिन एक बार फिर से कांग्रेस के विधान पार्षद मनचंद मिश्र ने भागलपुर के क्षेत्रीय कार्यालय को लेकर बिहार सरकार पर निशान
निशाना साधा है। इसको लेकर उन्होंने कहा कि बिहार के पूर्वी सीमा के जनता के लंबे समय से मांग यही रही है कि भागलपुर में डाक विभाग के क्षेत्रीय कार्यालय को खोला जाए, जिससे कि सीमांचल के पिछड़े जिलों का विकास हो सके और जनता को डाकघरों के काम के लिए 230 किलोमीटर दूर पटना का सफर तय करना न पड़े। इसका उद्घाटन हालांकि सरकार ने दिखावटी रूप में 2016 में भागलपुर रीजनल ऑफिस के रूप में किया था, लेकिन 5 साल से अधिक समय बीत जाने के बाद भी यह कार्यालय भागलपुर से ना चलकर पहले की भांति पटना से ही चल रहा है। उद्घाटन को लेकर अब तक 5 सालों से सिक्योरिटी डाक विभाग द्वारा भागलपुर क्षेत्र की जनता के हितों की घोर उपेक्षा की जा रही है। शिक्षा के मामले में टॉप 5 में बिहार के 4 जिले। बात शिक्षा की हो तो बिहार में परीक्षा के दौरान जी तोड़ नकल करने वालों का मंजर आपकी आंख के सामने आ जाएगा। अगर वो नहीं तो बिहार के सरकारी स्कूलों की बदहाल व्यवस्था पर जरूर सवाल उठाए जाएंगे, लेकिन नीति आयोग की रिपोर्ट में बिहार की शिक्षा व्यवस्था को लेकर कुछ और ही कहा गया है। नीति आयोग की तरफ से जारी किए गए ट्वीट के अनुसार शिक्षा के मामले में जो देश के 5 जिले चुने गए हैं उसमें पहला नंबर तो झारखंड का दुमका है, बाकी के 4 जिले बिहार के हैं, जिसके तहत दूसरे नंबर पर बिहार का मुजफ्फरपुर, तीसरे नंबर पर औरंगाबाद, चौथे नंबर पर बांका और 5वें नंबर पर बिहार का शेखपुरा जिला शामिल है, जिसे नीति आयोग चैंपियंस ऑफ चेंज के तरह देख रहा है। बिहार में रक्षा मंत्रालय की 477 एकड़ जमीन पर कर लिया गया अतिक्रमण। बिहार में सरकारी जमीन पर अतिक्रमण आम बात है। सरकार की तमाम कोशिशों के बावजूद जमीन पर अतिक्रमण करने वालों की संख्या कम नहीं हो रही है। अब जो ताजा जानकारी निकल करके सामने आई है उसके अनुसार बिहार में रक्षा मंत्रालय की जमीन का भी अतिक्रमण कर लिया गया है, जिसके तहत कुल मिलाकर 477 एकड़ जमीन का अतिक्रमण हुआ है। लोकसभा में जदयू के चंद्रशेखर प्रसाद चंद्रवंशी के सवाल पर रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट ने इस बात की जानकारी दी। लोकसभा में दिए गए बयान के अनुसार उन्होंने कहा है कि रक्षा मंत्रालय की 53 एकड़ जमीन पर तो राज्य सरकार का अतिक्रमण है, पूरे देश में रक्षा मंत्रालय की 9,505 एकड़ जमीन पर अतिक्रमण किया गया है। गोपालगंज के हथवा में एयरफील्ड की 338 एकड़ जमीन का अतिक्रमण है और कुल 53 एकड़ जमीन का अतिक्रमण राज्य सरकार ने किया है। अजय भट्ट की माने तो जल्द ही इसे अतिक्रमण मुक्त किया जाएगा। ललन सिंह ने सरकार का किया घेराव। कोविड-19 के नए स्वरूप ओमिक्रॉन के अब तक के भारत में कई मामले सामने आ चुके हैं। हालांकि अगर आप अभी भी बाहर निकलेंगे तो आपको मनमौजी लोगों की कमी दिखाई नहीं देगी, जो मास्क लगाना जरूरी नहीं समझते, ना ही सामाजिक दूरी का पालन कर रहे हैं। ऐसे में आने वाले समय में कोविड-19 के नए बहुरूपिया को कैसे रोका जाए, इस पर सवाल उठ रहा है। इसी को लेकर जदयू सांसद और पार्टी अध्यक्ष ललन सिंह ने भी लोकसभा में सवाल किया। उन्होंने देश में बढ़ते ओमिक्रॉन के मामले पर चिंता जताते हुए सरकार के स्वास्थ्य मंत्रालय से सवाल किया कि कोविड-19 का यह नया वेरिएंट डेल्टा वेरिएंट से कितना खतरनाक है, क्या सरकार ने इस पर कोई अध्ययन किया है, यदि हाँ तो क्या परिणाम आए हैं। हालांकि इस दौरान ललन सिंह ने भारत में चल रहे वैक्सीनेशन प्रोग्राम की तारीफ भी की है। अंतरजातीय विवाह करने पर जहां मामा ने जताई नाराजगी, वहीं तेजस्वी की हो रही है प्रशंसा। तेजस्वी यादव की शादी लगातार सुर्खियों में बनी हुई है, कारण है उनका अंतरजातीय विवाह करना, जहां इस मुद्दे को लेकर उनके मामा ने उन्हें भगचोनहर तक करार दे दिया है। वहीं दूसरी तरफ बिहार में तेजस्वी की तारीफ हो रही है। आलम कुछ यूं है कि राजद कार्यालय के बाहर पोस्टर लगाकर तेजस्वी यादव के इस कदम की सराहना की जा रही है। कार्यालय के बाहर जो पोस्टर लगाया गया है उसमें राम मनोहर लोहिया का जिक्र किया गया। पोस्टर में लिखा गया है कि आप दोनों ने जाति धर्म के बंधन को तोड़ते हुए प्रेम विवाह कर लोहिया जी की रोटी बेटी के बीच संबंध बनाने के सपने को साकार कर देश को एक खूबसूरत मैसेज दिया है। रोहित ने दक्षिण अफ्रीका के लिए शुरू की अपनी तैयारी। भारतीय क्रिकेट टीम के नए टेस्ट उपकप्तान रोहित शर्मा ने दक्षिण अफ्रीका दौरे पर रवाना होने से पहले अपनी तैयारियों को तेज कर दिया है। न्यूजीलैंड के खिलाफ 2 मैचों की टेस्ट सीरीज से आराम करने के बाद रोहित का ध्यान अब दक्षिण अफ्रीका दौरे से पहले लय में लौटने पर लगा हुआ है। टीम इंडिया को 26 दिसंबर से दक्षिण अफ्रीका दौरे पर 3 मैचों की टेस्ट सीरीज खेलनी है। रोहित ने शुक्रवार को अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर एक वीडियो पोस्ट किया, उसमें वो बल्लेबाजी प्रैक्टिस करते हुए दिखाई दे रहे हैं। प्रैक्टिस के दौरान वो उछाल लेती गेंदों का सामना करते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि दक्षिण अफ्रीका में तेज गेंदबाजों को पिच से काफी उछाल मिलती है और गेंद हल्का स्विंग भी होता है। ऐसे में रोहित भी दक्षिण अफ्रीका में मिलने वाली परिस्थितियों के हिसाब से अपनी ट्रेनिंग और प्रैक्टिस कर रहे हैं। कल हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब आप में से बहुत सारे यूजर ने हमें कमेंट करके दिया था, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप में से जिन यूजर का कमेंट हमें अच्छा लगा है उनके नाम है कपिल, मनोज, श्याम, रोहित, मेघना कुमार, चंदन, रोहित कुमार, रत्न देवी, कवीश कुमार। इसके अलावा हमारी टीम को और भी लोगों के जवाब अच्छे लगे हैं, मगर समय के अभाव के कारण हम उनका नाम नहीं ले पाए, लेकिन आप हमारे सवालों का जवाब देते रहे, हम कल आपका नाम लेने की पूरी कोशिश करेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल कुछ इस प्रकार है, आपके अनुसार नीति आयोग की तरफ से जारी किए गए रिपोर्ट के आधार पर क्या वाकई में बिहार में शिक्षा व्यवस्था में सुधार हुआ है या नहीं? अपने जवाब हमें कमेंट करके जरूर बताएं। इसके साथ ही आज के लिए बस इतना ही। बिहार की बड़ी खबरों से अपडेटेड रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।